कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 33 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आज क्वेश्चन नंबर 34 से क्वेश्चन नंबर 40 तक करेंगे, 40 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 33 तक अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1, 2, 3 तीनों पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, पहले आप उसे देख लो उसके बाद ध्यान से देखना। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, विच इज फॉर्म बाय द लाइन, एक लाइन यानी लाइन के लिए इक्वेशन दे रखी है, 4x + 3y = 12, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जनरली इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, अब इससे मतलब कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोला और ट्राइंगल्स का एरिया, तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा और ग्राफ बना के सॉल्व करोगे तो वैसा नहीं करना, सो आप आसान मेथड से कर सकते हो। कैसे, 4x + 3y = 12 लिखना, और हमेशा टारगेट होता है कि हमेशा ये वाले नंबर को ना, इसको जो इक्वेशन के बाद जो सी कॉन्स्टेंट टर्म है उसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसी नंबर से सबको डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि डिवाइड सिर्फ इसको नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे तो सबको करेंगे ताकि क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े इसलिए। ओके, तो हमेशा क्या करना होता है आपको, कॉन्स्टेंट टर्म को 1 बनाना होता है, 1 बनाने के लिए यानी हर बार क्या करना है, जो कॉन्स्टेंट टर्म दे रखा होगा उसी नंबर से सबको डिवाइड कर देना, सबको, और सबको डिवाइड करो तो कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3 और 3 4 12, और ये क्या बन जाएगा, 1। तो ये कितना आ गया, 1/x/3, 1/y/4, और इधर आ गया 1। ये मैंने 1 लिखा क्यों है, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी ना, ये x के साथ जो कॉफिशेंट होगा ये होता है बेस, और ये जो होता है y के साथ जो कॉफिशेंट होता है ये होता है हाइट, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट से हमें बी इंटू एच, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, ये तो आपको पता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/2 और बेस की वैल्यू क्या लेंगे, तो ये 1/3 लेंगे, इसको चेंज करके लेते हैं, इसको चेंज करके कैसे पलट के, यानी 3 ऊपर होगा और 1 नीचे, तो यानी क्या आएगा 3, इसको उल्टा करेंगे 4 ऊपर और 1 नीचे, तो 4, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया कितना, 6 स्क्वायर यूनिट, कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ये जानबूझ के मैंने 1 लिखा था, कि मान लो अभी तो ये पूरा कैंसिल हो गया, 4 1 4 और 4 3 12, लेकिन कोई नंबर ऐसा आ जाए कि ऊपर वैल्यू बच जाए, मान लो ऊपर 2 बच जाता तो फिर 2/3 होता, और 2/3 होता जब बेस की वैल्यू में लेता ना, 2/3 अगर होता तो बेस की वैल्यू में लूँगा तो उसको उल्टा करके, यानी जस्ट रेसिप्रोकल करके, वो विलोम करके उल्टा करके, तो 3/2 लेना पड़ेगा बेस, और मान लो जैसे यहाँ 5/4 बचा होता, मान लो 5/4 होता तो मैं यहाँ क्या लिखूँ, 4/5, उसको उल्टा करके जस्ट पलट के, क्लियर है ना, इसीलिए मैंने आपको समझाया। एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, ऐसा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज फॉर्म बाय द लाइन 8x + 5y = में कितना है, 40 x एक्स एंड y एक्स, एक्स अक्ष और y एक्स बोलेगा मतलब जो ग्राफ बनेगा तो x अक्ष और y एक्स पे जो लाइन आएगी तो उसे ट्राइंगल बनेगा, जैसे मान लो ये ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, कैसे भी बन सकता है, तो जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है, पिछले क्वेश्चन में भी था, इसमें भी ये कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट 8x + 5y और इक्वल्स टू में क्या है, 40, क्या करेंगे इस नंबर से सबको डिवाइड कर देंगे, 40 से 40 से डिवाइड करेंगे तो ये तो बन जाएगा 1, इसे करेंगे तो 5 और इसे करेंगे तो 8, तो जब फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ऊपर तो 1 बचा तो 1/5 का मतलब क्या हो गया, उल्टा करोगे तो 5 ओपन 1 होगा, तो नीचे क्या, यहाँ क्या लोगे 5, ये 1/8 को उल्टा करो तो 8/1, यानी इसका मतलब क्या ले सकते हो, 8 यानी 8, इसे सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, 2 से कट जाएगा ना 4 टाइम्स में, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 20 स्क्वायर यूनिट, कौन सा ऑप्शन हुआ, बी ऑप्शन। तो ऐसे आसानी से आप कर सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है, आप लोग गूगल लगा होगा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, बट उसमें भी ऐसे कर सकते हो, यहाँ भी ऐसे कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, √3y - 3x = 5, कॉमा फाइंड स्लोप, स्लोप भी निकाल लो, थीटा भी निकाल लो, एंगल भी निकाल लो। इसे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को एक्चुअल में 11th और 12th क्लास की मैथ्स का क्वेश्चन है, जिसे दिल्ली पॉलिटेक्निक के टेस्ट 1 में आने के चांसेस कम है, बाकी टेस्ट 4 और बाकी अलग एग्जाम्स में आ सकता है, या बाकी SSC रेलवे के एग्जाम्स में तो ये सब सारे क्वेश्चन आते रहते, या अदर जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो भी हो गए, चाहे वो BLED का एग्जाम हो गया, BMS का हो गया, जहाँ पे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जाम्स में है वहाँ ये क्वेश्चन आता है, 10th लेवल के एग्जाम्स में जल्दी नहीं पूछा जाता। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसे समझ लेना, क्योंकि एग्जाम में आ गया तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो पहले इससे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसका फॉर्मूला। जैसे ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा, इसमें अगर मान लो इस ग्राफ में हम कोई लाइन ड्रॉ करते, लाइन बनाते हैं किसी भी इक्वेशन से, जब हम लाइन बनाते हैं तो एंगल तो इधर से भी बन सकता है, एंगल तो इधर से इस लाइन का भी, या एंगल इधर से भी बन सकता है, तो एंगल हमेशा इधर से, कौन सा एंगल, एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो समझते हैं आप, घड़ी की दिशा के साथ और घड़ी की दिशा के विपरीत। जनरली हम ऐसे एंगल देखते हैं, तो ऐसे एंगल हमेशा कभी भी नहीं लेते, हमेशा ये वाला एंगल निकाला होता है। तो ये जो एंगल निकालेंगे वही थीटा निकलेगा हमारा, क्लियर है? तो हमेशा इस वाले एंगल को निकालना होता है। ये जो लाइन है, स्लोप, स्लोप का हिंदी बोलते हैं ढाल, देख रहा है? हाँ, ढाल। तो इस लाइन की ढाल कितनी है, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इक्वल टू एम, यानी एम को ही क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। एम जो सिंबल है उसको हम डिनोट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं एम सिंबल से। तो एम इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एम इक्वल टू टेन थीटा। अगर आपको एम गिवन होगा या एम आप निकाल लोगे तो आप थीटा की वैल्यू बता सकते हो कि एंगल कितने डिग्री का बनेगा। और मान लो ग्राफ पे अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स अगर हमें x1, y1 और x2 और y2 गिवन होगा, उस केस में अगर आपसे स्लोप पूछा है, क्योंकि मान लो ये कोऑर्डिनेट्स में तो हो सकते, कोऑर्डिनेट के बेसिस पे ग्राफ बना हुई लाइन बनी हो, तो जब कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला स्लोप निकालने का है। स्लोप तो निकालोगे m, कैसे निकालोगे, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, एक फॉर्मूला आपको ये भी ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन करेंगे। और स्लोप के लिए कंडीशन ये भी होती है, उसको भी ध्यान, क्या ध्यान रखोगे कि y इक्वल टू mx प्लस c। इक्वेशन को हमेशा इस तरीके से, जैसे मान लो हमें कोई इक्वेशन गिवन होगी, तो इक्वेशन को जैसे मान लो हमारे पास 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 ये गिवन है, तो इसको हमेशा इस तरीके से अरेंज करना होगा, क्योंकि y को अलग करना होगा। y को कैसे करोगे, 3y इक्वल टू 12 और प्लस का 4x क्या आ जाएगा, माइनस का, प्लस का 4 इक्वल टू के बाद आएगा तो माइनस का, और उसके बाद y इक्वल टू 12 अपॉन 3, ये 3 बटे में आएगा, तो दोनों के बटे में आएगा, नहीं दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसे काटो ना काटो से कोई फर्क नहीं। लेकिन mx लिखा है, इसका मतलब x के साथ जो कॉफिशेंट होगा वो क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। इक्वेशन की फॉर्म में जब क्वेश्चन होगा, हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें अगर आप स्लोप पूछी जाएगी तो इसको इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा, आपको y को हमेशा अलग रखना पड़ेगा और बाकी इक्वेशन को एक तरफ करना पड़ेगा। तो x के साथ जो भी कॉफिशेंट है क्या है, माइनस का 4/3 है ना, माइनस का 4/3, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 4/3। ओके, तो ये फॉर्मूले जो बताएं, ये और ये तीनों आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 36 में हमें स्लोप भी निकालना है और थीटा भी, एंगल भी निकालना है। स्लोप निकालेंगे सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, तो अरेंज कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, रूट 3 वाई को तो आप यहीं रहने दो, माइनस का 3x इक्वल के बाद जाएगा तो इक्वल टू के बाद 5 + 3x हो जाएगा। अब रूट 3 को वाई को अकेला रखना है इधर, सेपरेटली अकेला, तो 5 के अपॉन में भी रूट 3 आएगा और 3x के अपॉन में भी रूट 3, क्योंकि एक्चुअल में दोनों के बटे में आने वाला है, तो आप अलग अलग लिख सकते हो इसे, इसे आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि देखो रूट 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है √3 × √3, ये आपको पता है 3 का मतलब क्या होता है, रूट, इस 3 की जगह आप ये समझ सकते हो √3 × √3, क्योंकि इतना 3 आता है। तो अगर आप जब इसे कैंसिल करोगे तो आने वाला क्या है, आने वाला है √3 ऊपर, एक √3 से तो कट जाएगा, क्योंकि इसकी जगह आप 3 की जगह आप 2 बार √3 लिख सकते हो मल्टीप्लाई में, तो √3 से कैंसिल करोगे तो एक बार √3 तो कट जाएगा, एक बार बचेगा। तो x के साथ कॉफिशेंट क्या है, √3, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। अब m की वैल्यू हो गई √3 हमारे पास, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना, ये स्लोप तो निकल गया, ये स्लोप तो हो गया, मैंने ऑप्शन में एक ही चीज़ दे रखा है, बट स्लोप पूछा तो स्लोप भी निकाल सकते हो। और थीटा, थीटा निकालना है, तो m इक्वल टू क्या बताया था फॉर्मूला मैंने आपको, टेन थीटा, तो m की वैल्यू √3 और इक्वल टू में टेन थीटा। अब मुझे आप बताओ कि टेन थीटा में √3 कब आता है, टेन थीटा की वैल्यूज में √3 तो कब आता है, टेन 60 डिग्री पे आता है, टेन 60 डिग्री पे, तो थीटा कितना निकल जाएगा कंपेयर करने पे, दोनों साइड कंपेयर करोगे तो थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। आंसर कौन सा हुआ, बी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चनों को करना है। एक और देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्लोप एंड एंगल ऑफ द, दोनों चीज़ें निकाल ली, तो निकाल लेते हैं कैसे, यहाँ मैंने ऑप्शन जानबूझ के नहीं लिखा है। 3y को आप यहाँ रख लो, ये माइनस का इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का √3x, 3 से डिवाइड होगा सब, तो इसके बटे में भी 3 आ जाएगा और इसके अपॉन में भी 3x। इसे जब इसे कैंसिल करोगे तो नीचे √3 बचेगा, क्योंकि 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, तो एक बार कैंसिल होगा एक बार बचेगा। तो अब x का कॉफिशेंट क्या आया, ओके, क्यों ऊपर x तो ऊपर वाले के साथ है, तो 1/√3, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3, स्लोप तो आ गया 1/√3, अगर ये ऊपर होता तो सिर्फ √3 लिखते। अब हमें थीटा भी निकालना है, तो m इक्वल टू tan थीटा होता है, तो 1/√3
इक्वल्स टू में टेन थीटा। आपको पता है कब आता है, वन बाई रूट थ्री टेन में, टेन थर्टी डिग्री पे आता है। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा का डायरेक्ट आप लिख सकते हो 30 डिग्री। हो गया क्वेश्चन, ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें अब हमारे पास दो लाइन दे रखी है, और दो लाइन दे रखी है तो इनके बीच का एंगल, जैसे मान लो कि अगर आपके पास ग्राफ, अगर आप जब बनाओगे इनका तो ग्राफ बनाओगे, तो मान लो कि अगर दो लाइन ऐसे कटती हैं, एक लाइन यहाँ से और एक लाइन इधर से ऐसे कट रही है, तो कोई एंगल तो बनेगा ना, यहाँ पे एंगल या यहाँ एंगल, ये तो बराबर ही होंगे। तो जो थीटा बनेगा, जो एंगल बनेगा, वो एंगल आपसे पूछा हुआ है। तो कुछ नहीं करना आपको, पहले एक इक्वेशन को इससे भी एम निकालना है और इससे भी एम निकालना है। इसके इससे जो एम निकालोगे उसे एम वन बोलेंगे, इससे जो एम निकालोगे उसे एम टू। निकाल लेते जरा फटाफट। तो वाई को अलग करना पड़ेगा, तो एक्स, अब इधर मैं अगर थ्री वाई को रखूँ तो माइनस में रह जाएगा, तो माइनस से बचने के लिए मैं इसको बाद में ले जाता हूँ, इसको यहाँ रहने देता हूँ। तो प्लस 13, और ये 3y इक्वल्स टू के बाद आ गया तो प्लस में हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 13, और जब फिर से डिवाइड करोगे तो 3 नीचे इसके नीचे भी आएगा, 3 इसके नीचे भी आएगा। तो यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब एक तो बोल सकते हो कोएफिशिएंट एक ही होता है ना इसे मल्टीप्लाई में। तो m1 निकलिए कितना आएगा, 1/3। m1 कितना आएगा, 1/3। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। तो 2y इक्वल्स टू ये माइनस का 111 इक्वल के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का x भी इक्वल के बाद जाएगा तो माइनस का x। क्लियर हो गया, डायरेक्ट कर दिया मैंने, 2y को यहाँ रखा, माइनस का 111 को इक्वल के बाद लिया है, और इसको भी इक्वल्स टू के बाद, तो साइन चेंज हो गया। तो y इक्वल्स टू 111 अपॉन में 2 माइनस x अपॉन में 2। तो यहाँ पे जब x के साथ कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 1/2, क्योंकि आगे कुछ नहीं लगा तो 1 होगा। तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। m1 भी आ गया और m2 भी आ गया। अब क्या एक छोटा सा फॉर्मूला इसके लिए, डबल इक्वेशन वाले केस में जिसमें डबल दो दो इक्वेशन दे रखे हो, तो फॉर्मूला तो वही है, टेन थीटा इक्वल्स टू मोड के अंदर, ताकि प्लस माइनस का कोई पंगा ना पड़े, क्योंकि एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता इसलिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एम वन माइनस एम टू अपॉन में 1 + m1 m2। ओके, इस फॉर्मूले को पे सॉल्व कर दो इनको, आंसर अपने आप आ जाएगा। करते हैं फिर, देखो वैल्यू रखते हैं, तो टेन थीटा इक्वल्स टू एम वन माइनस एम टू, यानी 1/3 माइनस, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, हाँ देखो गलत हो जाता अभी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू तो प्लस में थी, तो एक्स की वैल्यू हमने 1/3 लिखी, यहाँ पे वैल्यू क्या माइनस में है, तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है तो 1/2 है, लेकिन वैल्यू किस में है, माइनस में, तो माइनस लगाना है। तो एम वन की वैल्यू 1/3, फिर माइनस फॉर्मूले में है, और फिर वैल्यू में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आएगा 1/2 अपॉन में 1 + 1/3 मल्टीप्लाई माइनस का 1/2, और ये मोड लगा हुआ है। क्लियर है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू, जब इसे एलसीएम लेके ऐड करोगे, एलसीएम लेना आता है, कितना आएगा 6, और फिर 6 को 3 से डिवाइड, और ऊपर मल्टीप्लाई, इधर भी डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, ये तो आपको आता होगा, तो ऊपर आ जाएगा 5/6। नीचे सॉल्व करोगे तो ये प्लस माइनस, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, मल्टीप्लाई होकर माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ऊपर 1 1 हो गया, नीचे 6, तो इसमें जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 5/6, 5/6। एलसीएम लेना आता होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आता जरूर होगा एलसीएम लेना। अब ये ऊपर भी सेम नीचे भी कट सेम, तो कट गया, कैंसिल हो गया, तो इधर क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल्स टू 1। तो टेन थीटा 1 कब आता है, टेन के अकॉर्डिंग थीटा 1 कब होता है, 45 डिग्री पे। तो टेन 45 पे होता है, तो थीटा कितना होगा, 45 डिग्री, लिख सकते हो डायरेक्ट, कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा कैलकुलेट करना, अब ये सब मैंने आपको करके दिखाया ताकि सीख जाओ। अब ये सब अगर थोड़ी कैलकुलेशन आपकी फास्ट है तो आप माइंडली भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें वैल्यू, जो एम वन की वैल्यू, एम टू की वैल्यू, इक्वेशन को माइंडली अरेंज करके आप निकाल सकते हो। और ये एलसीएम लेना आपको डायरेक्ट आना चाहिए, जैसे हमने कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ये जोड़ दिया, इधर ये जोड़ दिया, 5/6 से इनको मल्टीप्लाई किया, 6, ये 1 माइनस का हो गया, उसके बाद 6 में से भी एक घटेगा तो 5/6 आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ये वाला पार्ट समझ में ज़रूर आ गया, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो देख लेना आप लोग एलसीएम करके, नहीं आता तो बता दें, फिर अगली वीडियो में एलसीएम सिखाया जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, एंगल निकालना है और दो इक्वेशन दे रखी हैं। तो यहाँ भी सबसे पहले आप m1 निकालो, फिर m2। तो m1 कैसे निकालोगे, उसको अरेंज करना शुरू करते हैं। पहले इक्वेशन लेते हैं, x 5 को इक्वल से पहले लेके आते हैं, माइनस का 5 कर लिया, और माइनस का था इसको इक्वल टू के बाद ले जाते ताकि प्लस का हो जाए। ओके, टारगेट क्या रखना था, प्लस का y होना चाहिए।
तो वाई इधर और ये बटे में आ जाएगा, इसके अपॉन में भी आएगा और इसके अपॉन में, दोनों के अपॉन में। तो यहाँ से m1 की वैल्यू आप डायरेक्ट बता सकते हो, m1 कितना निकलेगा, 1/√3, क्योंकि इसका कॉफिशेंट कुछ नहीं तो एक तो होगा अपने आप में, तो ये 1/√3। ऐसे ही दूसरे वाली इक्वेशन को निकालोगे तो ये क्या निकलेगा, यहाँ निकाल दो साइड में, वाई इक्वल टू 7 और प्लस का रूट थ्री इक्वल के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का रूट थ्री एक्स। तो यहाँ पे कॉफिशेंट क्या आने वाला है, m2 की वैल्यू क्या आने वाली है, क्योंकि यहाँ तो कोई डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, तो m2 की वैल्यू आएगी -√3। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, डायरेक्ट m1 m2 निकल गया। अब फॉर्मूला जो पीछे लगाया था वो लगा दो, tan थीटा इक्वल टू मोड के अंदर क्या था, m1 -m2 अपॉन में 1 + m1 m2। अप्लाई कर देते हैं tan थीटा मोड में, m1 -m2, m1 की वैल्यू क्या है 1/√3 माइनस, और m2 की वैल्यू क्या है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अपॉन में 1 + m1 की वैल्यू 1/√3 इंटू में m2, वो कितना है -√3। रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया, ये माइनस था, तो जब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 है ना इसी से कटा, तो 1 से इसको करोगे तो 1 आएगा, लेकिन ये माइनस है तो इसमें क्या लगेगा माइनस, तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस, तो नीचे क्या हो गया 0। ऊपर आप सॉल्व कर सकते हो, नीचे हो तो नहीं भी करो, ऊपर सॉल्व करोगे तो इससे एलसीएम लोगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 × 1 = 4, 4/3, और नीचे क्या बचा 0, क्योंकि ये प्लस का 1 हो गया, मैं इधर ले लेता हूँ प्लस का 1 और फिर माइनस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या होता है 0, यहाँ पे 0 आएगा। अब 0 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हो, 0 से किसी वैल्यू को आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड कभी नहीं होता, तो फिर क्या बन जाएगा इनफाइनाइट। जैसे कि मान लो अगर 1 को 0 से डिवाइड करना है, 1 को 0 से डिवाइड करना है तो इनफाइनाइट, क्योंकि 1 के 0 के टेबल में 1 कभी आएगा नहीं। लेकिन अगर आप इसी को उल्टा बोला जाए, 0 को 1 से डिवाइड करना है तब क्या आंसर आएगा, तब 0 आएगा, क्योंकि 1 का टेबल 0 बार पढ़ोगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन ये दोनों केस का ध्यान रखना, उसी तरीके से किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट होगा। और tan थीटा में इनफाइनाइट यानी कि जिसे बोलते हैं हम नॉट डिफाइंड, कब आता है तो tan 90 डिग्री पे आता है, tan 90 डिग्री पे। तो थीटा बताओ कितना निकल के आएगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो आप ऐसे कर सकते हो इसे। एक क्वेश्चन और, एग्जाम्स में किसी भी क्वेश्चन करने के लिए स्पीड शुरू से बना के रखो, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। मुझे तो समझाना होता है आप लोगों को, क्योंकि कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, कुछ आराम से समझते हैं, इसलिए बहुत आराम से समझाना होता है। लेकिन आप लोग जब ट्राई करो तो कोशिश करो जल्दी जल्दी करने की। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, दो कोऑर्डिनेट दे रखे पी और क्यू, स्लोप निकालनी है। स्लोप के लिए फॉर्मूला जब आपको पता है, कोऑर्डिनेट्स दे रखा हो, तो क्या पढ़ा था आपने, एम इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। डायरेक्ट अप्लाई करो, वाई टू ये है और y1 ये है, तो 3 में से 7 घटाएंगे, और x2 कितना है 2 है, x2 ये होता है, और x1 माइनस का 4, तो फॉर्मूला भी माइनस और वैल्यू में भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ऊपर बचा माइनस का 4 और नीचे बचा कितना 6, कट हो गए तो माइनस का 2/3, कौन सा आंसर होगा बताओ, माइनस का 2/3 ए ऑप्शन। ऐसे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा एडवांस पार्ट था ये, और बाकी 4 पार्ट हो चुके हैं, 4 पार्ट देख लो, 40 क्वेश्चन बहुत हैं, 40 क्वेश्चन देख लोगे तो आपके बेसिक से लेकर एडवांस तक का जो भी है सारा कवर हो जाएगा अच्छे से। बाकी और भी कोई टाइप हो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है आने वाला है तो आप कमेंट करके बताना, मैं उसे भी करा दूंगा। और जल्दी ही अगली वीडियो में मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ, तब तक आप वीडियो को देखो, सीखो, लाइक करो, दूसरों को शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो।